मैं जितेंद्र मारोठिया और मेरी टीम और द आरजे ब्लॉक राधे भैया की तरफ से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं ये चाहता हूं दोस्तों कि मेरी प्यारी ऑडियंस और द आरजे ब्लॉक की प्यारी ऑडियंस, जितने भी तकलीफ है, जितनी भी कष्ट है, अभी आपने बैकग्राउंड में देखा था कि मैं कहाँ पर आया हूँ, तो मैं आज के दिन मेरे श्री राम को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी प्यारी ऑडियंस है, द आरजे ब्लॉक राधे भैया की जितनी भी प्यारी ऑडियंस है, उनकी भगवान प्रभु सुन ले, उनकी जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं जिन्होंने हमारे से शेयर करी है, वो सारी मुसीबतें ख़त्म कर दे। और भाई आप कहोगे यार जितेंद्र भाई आज यहाँ पर कैसे, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत शुभ भी है और सभी के लिए शुभ है, मगर मेरे लिए कुछ स्पेशल है आज, क्योंकि उसका कारण है भर भर के जो कमेंट आ रहे थे हर वीडियो पे मेरे कि यार जितेंद्र भैया राधे भैया को से मिलाओ, राधे भैया से मिलाओ। तो आज का दिन दोस्तों वो आ चुका है जब राधे भैया की मुलाकात मैं आपसे कराने वाला हूँ। और वो क्यों कराने वाला हूँ, उसका कारण है क्योंकि जो रिकवरी राधे भैया ने करी है वो एक अल्टीमेट रिकवरी है, क्योंकि इतना जल्दी रिकवर करना एक साहसी आदमी कर सकता है। और आज के दिन उन्होंने फैसला लिया कि वॉन्टेड लोकेशन के ऊपर वो विजिट करने वाले थे, मगर मैंने उनको रोका, मैंने कहा नहीं, आज का दिन बहुत बड़ा है, आज का अपने जो अपने हिंदू धर्म के अंदर है जो सबसे बड़ा दिन आता है, नववर्ष आता है, वो दिन है, आज के दिन मैं आपको श्री बजरंगबली के दर्शन कराऊंगा, श्री राम के दर्शन कराऊंगा। और आज जैसे आप उसको देख रहे हैं प्राचीन मंदिर है बजरंगबली का, सबसे पहले मैं उनको यही लोकेशन विजिट करा के और ले जाना चाहता था। तो वो क्षण वो घड़ी आप सबके लिए आ चुकी है, आज यहाँ पे इस लोकेशन पे राधे भैया मेरे साथ में खड़े हैं। तो राधे भैया मैं सबरी से आपकी ऑडियंस इंतजार कर रही है आपके लिए। तो राधे भैया की फिलहाल इनकी हिम्मत है, अभी मुझे नहीं लगता इतनी हिम्मत थी इनकी कि लोकेशन विजिट कर ले। ये मेरे भाई सब कुछ है, मेरे दोस्त, मेरे जितने भी मेरे मन के अंदर है वो ये है, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और जैसे आपने देखा कि इन्होंने बहुत अच्छे से रिकवरी कर ली है वापस, मगर मुझे थोड़ा सा डर था कि ये एक वॉन्टेड लोकेशन विजिट करने वाले थे, मगर मैंने इनको रोका कि राधे भैया मैं ऐसी रिस्क नहीं ले दूंगा, क्यों इनके पास में सेफ्टी तो जरूर दी है गुरुदेव ने, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई को अकेला नहीं जाना चाहिए आज। तो आज आपका भाई इनके साथ में लोकेशन विजिट करने जा रहा है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से इस लोकेशन पर जा रहे हैं। और मैं फिर वापस एक बार दोहराना चाहता हूँ दोस्तों कि मैंने प्रभु श्री राम, मेरी और राधे भैया की जितनी भी ऑडियंस है उनकी आज के दिन से जितनी भी तकलीफें थी वो सब खत्म कर दें, मेरे प्रभु श्री राम मेरी सुनना, मेरी दुआ सुनना, क्योंकि मेरी इतनी प्यारी ऑडियंस है, हर किसी को ऐसी ऑडियंस नसीब नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि मैं कई लोगों के कमेंट भी पढ़ता हूँ, सब पढ़ता हूँ, मगर जो प्यार हमारे को आपने दिया है और जो साथ दिया है, जो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों राधे भैया का रिकवर के अंदर सिर्फ मेरा अकेले का हाथ नहीं है दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ 20% हाथ था दोस्तों, सबसे बड़ा हाथ था दोस्तों आपका। कोई कमेंट, कोई पॉप, कोई इंस्टाग्राम, राधे भैया के जो डिवाइस था वो मेरे हाथ में था, इनके इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू जो मैसेजेस आ रहे थे, लोगों ने हवन कराए, मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, कहाँ कहाँ नहीं गए राधे भैया के। और ये सिर्फ मुझे लगता है कि 80% हाथ आप सबका है इसके अंदर इनको रिकवर कराने के लिए। और आज आपका भाई बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, प्रभु श्री राम के दर्शन कराए इनको मैंने। और बस दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि यार भाई को दुआ दो कि कभी भी ऐसी चोट फेट में ये वापस नहीं आवे, क्यों सेफ्टी तो मैंने इनकी पूरी कंप्लीट कर दी है, मैंने पहले भी इनको समझाया था कि राधे भैया यार प्लीज़ मेरी बात मानो, मगर थोड़ा इग्नोर करा मेरे को और सेफ्टी इनके पास में नहीं थी उस दिन, और ये गए और जो भी हुआ वो वीडियो में आप देख चुके हो इनके साथ में, कई लोगों को ये चीज़ें मजाक लगी, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि यार दोस्तों यही मेरी वीडियो देख के वो लोग समझ जावे, क्योंकि समझना उनका बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें होती है दोस्तों और बहुत ख़तरनाक होती है। बस दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि यार राधे भैया आपके लिए दो शब्द बोल दे बस। राधे भैया सबसे पहले तो सभी भाइयों को जय श्री राम और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरे साथ जो भी हुआ शायद मेरे को कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ, कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ ले जाया जा रहा हूँ,
कुछ भी पता नहीं था, और कुछ ऐसी चीज़ें भी थी परिवार में भी रिलेशन में भी, यार जो चीज़ मेरे साथ हो रही थी उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे जितेंद्र भैया। ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहे थे कि यार आप लोगों को भी पता पड़े कि जो हम काम करते हैं वो इतना इजी नहीं है, इतनी रिस्क होती है। इनका मोटिव सिर्फ ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का यही था कि यार जो लोग गलत बोलते हैं ना कि यार ये फेक होता है, ये झूठ है, आप सही लोकेशन नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ होता नहीं है, भूत वगैरह होते नहीं है, स्पिरिट होती नहीं है, उन लोगों की जो ये गलत थिंकिंग थी ना उसको दूर करने के लिए इन्होंने ये करा। और दोस्तों जब जैसे ही मैं थोड़ा सा रिकवर हुआ, मैंने अपना फ़ोन देखा और उसमें जब मैंने मेरा चैनल ओपन करके देखा तो आप लोगों के जो कमेंट थे ना मेरे भाइयों बहनों को, वो देख के कसम से मेरी आंखों में आंसू आने लग गए थे। मेरे लिए इतना प्यार देख के यार, ना मैं आप लोगों से कभी मिला ना आप लोग मेरे से मिले, फिर भी आज जो आपका भैया खड़ा है ना वो आप लोगों के प्यार की वजह से। जितेंद्र भैया मेरे साथ रहते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर मेरे बड़े भाई के जैसे, इनका सपोर्ट वाजिब था मेरे लिए, लेकिन यार आप लोगों की दुआएं भी कम नहीं थी, इसीलिए आज आपका भाई यहाँ खड़ा है। और दोस्तों आज ही का दिन मैंने इसीलिए चूज़ करा कि यार जो हिंदू नववर्ष का जो नया साल होता है वो आज ही के दिन शुरू होता है, और मैंने भी फैसला लिया कि यार मैं मेरी फर्स्ट लोकेशन आज ही के दिन से वापस स्टार्ट करूँगा। तो जितेंद्र भैया बोले कि प्राचीन मंदिर है वहीं चलते हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा के वहीं से शुरुआत करते हैं नए साल की। तो दोस्तों आज की लोकेशन पे मैं साथ जाने वाला हूँ इनके, और सबसे ज़्यादा थैंक्स मैं कहूँगा जितेंद्र भैया का, जिन्होंने यार मेरे को क्या बताऊँ यार दोस्तों, मैं कभी कभी दिन में बैठ के सोचता हूँ ना कि मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी वो वीडियोस देखता हूँ तो रोना आ जाता है कि यार एक सगा भाई किसी के लिए इतना नहीं करता जितना आज की बात है। दोस्तों दिन में दिन जब मैं फ्री था तो मैं जो वीडियो देख रहा था ना, मेरी आंखों से आंसू आ गए थे यार, कितनी मेहनत कर रहे थे ये, इनका क्या लगता था मैं, क्या रिलेशन था, ये छोड़ के भी जा सकते थे ठीक है, लेकिन इन्होंने मेरी फैमिली को पीछे रखा ऑफ कैमरा कि आप पीछे रहिए, आप लोगों के सामने मत आइए, जो भी होगा मैं देखा जाऊँगा। इनने खुद की ज़िंदगी को दांव पे लगा के मेरी जान बचाई इनका ये एहसान मैं मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये जो मुझे नया जीवन मिला उसका पूरा श्रेय मैं मेरे बड़े भाई जितेंद्र भैया को देता हूँ। और दोस्तों कुछ मेरे भाई यूट्यूबर भी है जिन्होंने मेरे लिए बहुत सारी पूजाएं हवन दुआएं करी, तो सबसे पहले दोस्तों यूपी कानपुर से एक मेरे भाई है अजय भैया, स्प्रिट मैन के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने आपके भाई को बहुत सपोर्ट करा है, बहुत दुआएं करी है, उन्होंने मेरे फ़ोन पे भी फ़ोन करे थे, घर वालों से कंटिन्यू वो डेली बात करते थे कि राधे भैया के ठीक है क्या, अब कैसे उनकी तबीयत, उनके फ़र्क पड़ा क्या, पहले से ठीक है क्या, जितेंद्र भैया से भी कंटिन्यू वो बातें कर रहे थे फ़ोन पे। उसके बाद दूसरा है दोस्त है दूरो बेस्ट, उन्होंने भी बहुत सारी मेहनत करी है मेरे लिए, बहुत से पूजा पाठ करे, शमशान में भी गए, मंदिर मस्जिद सब जगह गए। तीसरे नंबर पर किशन भैया केपीएल हिस्ट्री के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मदद मांगी है। वो ऐसे बंदे थे कि अपने घर पे नहीं गए वो पूरे एक सप्ताह तक, और उनके घर वालों ने कहा कि जब तक राधे भैया सही नहीं हो जाते आप घर पे नहीं आओगे, और वो बंदा जहाँ जहाँ उसको जिन जिन लोगों ने बताया कोई मंदिर कोई मस्जिद कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ वो गए नहीं। और चौथे थे डॉक्टर सलीम साहब, शायद आप लोग जानते होंगे, मौलाना साहब बी एस और हिस्ट्री के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने भी काफ़ी अपने अल्लाह ताला जो भी उनके धर्म के अनुसार जो भी उनसे जो हुआ उन्होंने करा है। तो यार ये जो भाई है, और इनके अलावा दोस्तों ये जो मैंने नाम बताया आपको, इन भाइयों के अलावा एक लिस्ट दिख रही होगी आपको, मेरे किसी फ्रेंड ने बना के भेजी थी, तो कुछ 25-30 यूट्यूब चैनल और है जिन भाइयों ने भी मेरे लिए बहुत सारी दुआएँ करी है, तो उनके भी ये चैनल आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। तो यार आपके छोटे भाई राधे की रिक्वेस्ट है, इन भाइयों के और आपके प्यार की वजह से, जितेंद्र भैया के प्यार की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो जितने भी यूट्यूब चैनल आपको नज़र आ रहे हैं सबको जाके यार सब्सक्राइब करना और इन भाइयों को भी सपोर्ट करना, और इन लोगों का मैं एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकता जो इन्होंने मेरे लिए करा। और यार एक चीज़ बताऊँ दोस्तों के इतना सब कुछ हुआ ना, बहुत से नेगेटिव लोग भी थे जो लोगों का कॉन्फिडेंस भी डाउन करते हैं,
और देखो उस टाइम मुझे कुछ पता नहीं था दोस्तों कि आखिर मेरे साथ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ मैं मेरे जो फैमिली गुरु है वो अपना, जो उनका पूजा पाठ चल रहा था आउट ऑफ स्टेट वो गए हुए थे, जैसे ही घर वालों ने उनको मेरी कंडीशन बताई कि ऐसे ऐसे हो गया तो अपना काम धाम छोड़ छोड़ा के अपनी पूजा पाठ वहीं पे स्टॉप करके दूसरे पंडितों को वहाँ पूजा में लगा के और वो यहाँ आए थे। और कम से कम वो हफ्ते भर तक मेरे घर पे थे जब तक मैं पुष्कर सरोवर वगैरह जा जुआ के वापस पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ तब तक वो मेरे घर से नहीं गए। और परसों शाम को ही वो यहाँ से रवाना हुए थे। और दोस्तों जिन जिन लोगों का सपोर्ट था प्यार था उन भाइयों की वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो यार सभी भाइयों को लव यू यार, लव यू मेरी प्यारी ऑडियंस को, मेरे प्यारे दोस्तों को, मेरी प्यारी बहनों को, और लव यू मेरी फैमिली को, और लव यू मेरे जितेंद्र भैया को जिन्होंने इतना सपोर्ट करा। यार सही बताऊँ ना तो आप लोगों की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। हकीकत बता रहा हूँ दोस्तों, यार दिन में जब मैं बैठा बैठा सोचता हूँ ना रियल में दोस्तों अंदर से आपके लिए आंसू तक निकल आते हैं कि यार कौन करता है आज के टाइम में जो बंदा किसी को जानता तक नहीं। आप लोगों के इतने मैसेज, इतने भाइयों के कमेंट आए थे यहाँ पे ले जाओ वहाँ ले जाओ, ऐसी ऐसी जिन जिन भाइयों को जानकारी थी उन्होंने वहाँ का बताया। यार बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ मैं फिर से एक बार सभी भाइयों को, लव यू बहुत सारा, लव यू मेरे दोस्तों को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी फैमिली को, सबको जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा। और आज आपके प्यार की वजह से ही मोटिवेशन मिला और आपका भाई वापस से आज वीडियो की शुरुआत करने वाला है। तो भाई पे ऐसे प्यार बनाए रखना और गुरुजी ने जो माला दी है दोस्तों बस उसका ध्यान रखना है मुझे कि कितना कुछ भी हो जाए उसको गले से कभी नहीं हटाना है तो कुछ नहीं होगा। और तो इन भाइयों का जो प्यार सपोर्ट रहा वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। यार जितेंद्र भैया एक सगे भाई से बढ़ के इन्होंने मुझे सपोर्ट करा है, सगे भाई से भी बढ़ के बिल्कुल भी नहीं है। ले ये अपने घर तक नहीं गए थे देख लो दोस्त। यार अगर कभी भगवान करे ऐसा ना होए, कभी मेरी जान भी देनी पड़े ना जिसमें भाई के लिए मैं हफ्ते भी अपनी जान देता हूँ। बस आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, जो भी बोलेंगे जितेंद्र भैया बोलेंगे। और नेक्स्ट यहाँ से निकलते ही एक लोकेशन विजिट करूँगा मैं, आज ही के दिन करना जरूरी है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है तो मैं जितेंद्र भैया के साथ में लेके जाऊँगा। यार उस वीडियो को भी देखना सभी भाइयों को, श्री राम और छोटे भाई को अपने साथ बनाए। तो एक बार वापस मैं अपनी बात दोहराऊंगा दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका रहा इनके ठीक होने में, क्योंकि जो फोटोज़ है इंस्टा के ऊपर पोस्ट करी है लोगों ने, इतने बड़े बड़े अपनी फैमिली को बिठा के जो हवन पूजा पाठ करे, कई लोग ऐसे थे जो सवेरे की आरती में भी जा रहे थे शाम की आरती में भी जा रहे थे, बस उनके मन में अपनी तकलीफें छोड़ के राधे भैया के लिए केवल प्रार्थनाएं, मेरे लिए प्रार्थनाएं करी कि भगवान जितेंद्र भैया को हिम्मत देवे ताकि राधे भैया को जल्दी सही कर दे। इसी के साथ मैं दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो 4 से 5 चैनल है उनको मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा जिनके नाम अभी इन्होंने बताए हैं, मगर मैं फिर भी एक बात वापस दोहराना चाहता हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है 4 से 5 चैनल थे जो करीब करीब अपना रात और दिन अपनी फैमिली सबको भूल के जो राधे भैया के लिए भाग जोड़ के लिए, उसके लिए मैं जितना भी मेरे मुंह से शब्द बोलूँ वो कम पड़ जाएंगे जीवन भर। और मैं कहूँ कि ज़िंदगी में इनके कभी तकलीफ़ नहीं आवे तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनके, जिन्होंने मेरे को जो सजेस्ट करा था वो बहुत, मुझे लगता है कि 99% वो एकदम सही गया था, सटीक गया था। सबने सजेस्ट करा था 4 से 5 चैनल, मगर सबसे पहले आता है स्प्रिट मैन अजय भैया का। यार अजय भैया सही बता रहा हूँ, आंखों में आंसू आते हैं यार भैया, आपने जो करा और जो सजेस्ट करा था मेरे को रात दिन, मतलब कंप्लीट मेरे को अकेला नहीं पढ़ने दिया, कंटिन्यू मेरे से फ़ोन पे लगे रहे, राधे भैया की आपने तबीयत पूछी बराबर, उनकी फैमिली से भी आप करीब करीब मैंने आपसे कंटिन्यू बात कराई, और जो जो सजेस्ट करे वो बिल्कुल सही मिले। मुझे पता आपने एक वीडियो भी शूट करी थी उसके अंदर आपने 2 चीज़ बताई थी कि ये जो चीज़ है ये दूर होगी एक हवन से, तो आपने मेरी वीडियो में दोस्तों देखा ही था कि एक हवन हुआ था बहुत बड़ा। और उन्हें एक चीज़ और सजेस्ट करी थी कि जो राधे भैया के कपड़े हैं वो आपको जलाने पड़ेंगे, पुराने कपड़े, उससे शायद वो चीज़ बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। और पंडित जी, मैंने पंडित जी जो गुरुदेव थे हमारे
पंडित जी तो बोल के मैं उनका बहुत छोटा नाम ले रहा हूँ कि पंडित जी है, वो बहुत बड़े महात्मा थे। इनके जो पारिवारिक जो गुरु जी है वे बहुत बड़े संत है। मुझे लगता है कि मैं ऑडियंस के बाद में सेकंड नंबर दर्जा सबसे बड़ा वो उनको दूंगा कि उनको बचाने के लिए उन्होंने कौन कौन से मंत्र किया, कौन कौन सी पूजा पाठ करी, उनके कारण आज ये वापस खड़े हैं। और आज अभी यार दिल से आपको मैं प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। जो लोग आपको फेंक कहते हैं वो मेरी नज़र के अंदर कभी भी उठ नहीं पाएंगे, और हमेशा राधे भैया के और मेरे दिल में हमेशा आप जिंदगी भर जब तक मरते दम तक रहोगे। आप मान सम्मान करेंगे हम हमेशा आपका, जैसे बोलोगे वैसे करेंगे। सेकंड नंबर आता है मोनू भैया का, जैसे आपको चैनल का नाम बता ही चुके हैं वो। मोनू भैया ने मतलब लाते खाई, उनकी वीडियो देखो आप उनके चैनल पर जाके, दूर ऑफ डेट सही बोल रहा हूँ नाम, उनके चैनल का ये नाम है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। उन्होंने लाते खाई है, एक शमशान गए थे तो शमशान को मैंने भी विजिट करा था। एक मैं आपको अभी ऑडियंस के जो गलत कमेंट करते हैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहता हूँ। जो मोनू भैया ने वीडियो बनाई थी जहाँ पे उन्होंने लाते खाई मार खाई, वो मैंने शॉर्ट उनका कटवा दिया था। मैंने कहा देखो अच्छा नहीं लगता, ऐसे शॉर्ट आप नहीं डालोगे, ठीक है आप बिल्कुल शॉर्ट में ये वीडियो डालोगे अपलोड करोगे। तो जो ओरिजिनल उनकी क्लिप थी वो तो शायद आपने देखी नहीं, ठीक है ना, कि मार खाई है वहाँ पे उन्होंने, वहाँ पे पब्लिक इकट्ठी हो गई थी, जो अगुरी ने भी उनके लाते मारी थी। तो दिल से सलाम करना चाहता हूँ मोनू भैया को, जो बराबर राधे भैया के साथ लगे रहे। और थर्ड नंबर आते हैं अपने केपीएल हिस्ट्री किशन जी तो ऐसे इंसान थे जब तक राधे भैया राधे भैया तैयार नहीं हुए तो उन्होंने तो एक ही बात बोली कि जितेंद्र भैया आपका एक केवल फ़ोन आना चाहिए मेरे पास में, उनके अंदर उसके फ़ोन के अंदर केवल शुभ समाचार ही होने चाहिए कि राधे भैया ठीक हो गए, जब तक मैं घर का मुँह नहीं देखूंगा, मेरे जितने भी मेरे देवी देवता है सब तक जाऊँगा, जहाँ तक कोशिश हो सकती है मैं वीडियो शूट करूँगा और पब्लिक को भी दिखाऊँगा। वो पब्लिक को क्यों दिखा रहे थे कल को, दोस्तों आस पास आस पड़ोस या कोई भी दोस्त वगैरह हो तो ये मैं चाहता हूँ मैसेज सब तक जावे कि कोई मदद कर सकता है तो कैसे कर सकता है, बहुत बड़ा आता है। उसके बाद में दोस्तों सलीम बाबा है उनका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, दिल से मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या क्या करा और उनकी वीडियो में देखा होगा, उन्होंने हिंदू नहीं देखा मुस्लिम नहीं देखा, उन्होंने अपने धर्म को नहीं देखा, उन्होंने हिंदू के धर्म को नहीं देखा मुस्लिम, एक इंसानियत अदा करी उन्होंने। दोस्तों कई लोगों ने सुना होगा मोमडन ऐसे गौ की वो सेवा नहीं करते गौ की, आप उनके वीडियो उठा के देखो गौशाला तक गए हो, रचका डाला उन्होंने गायों को खाना खिलाया, कहाँ कहाँ नहीं गए, अपने अजमेर शरीफ गए वो, अपनी जो दरगाह है उनकी खुद की वहाँ बैठ के उन्होंने रात दिन एक करे। उन्होंने बोला कि मैं जब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक राधे भैया ठीक नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उनको पता पड़ गया था, सबसे पहले मैंने जब उनकी कंडीशन खराबी उन्हीं को बुलाया था, उनको पता चल चुका था ये छोटी हल्की मुल्की चीज़ नहीं है, उन्होंने सजेस्ट करा था बहुत कम टाइम है तुरंत जो भी करना तुरंत करो। यार दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है, देखो मैं और चैनल का ध्यान नहीं है मेरे को क्योंकि मैं माला में बिजी था बहुत ज़्यादा, इनके रिकवर के लिए मैं लगा हुआ था, तो लिस्ट है हमारे पास में वो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो यार दोस्तों उनके चैनल को जाके उनको प्यार दो सपोर्ट करो, तो ये एक इंसानियत अदा करी उन्होंने इस कलयुग के अंदर भी, आज मतलब मुझे लगता है कि इंसानियत जिंदा है। वो लोग कोई किसी को नहीं जानते थे, ना हम उनको जानते थे ना वो, हाँ लेकिन फिर भी एक YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने जितना उनसे हुआ सभी भाइयों से छोटे से लेकर बड़े तक सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट कराया, उन्हीं की दुआओं की वजह से शायद आप मेरे को जिंदा देख पा रहे, और ना जिस हिसाब से मेरे साथ हो रहा था वो वीडियोज मैंने देखे ना यार, मैं बता नहीं सकता कि शायद किसी पर ना हो ऐसा, भगवान करे श्री राम कभी किसी पर ऐसा ना हो। लेकिन दोस्तों मेन चीज़ ये है कि यार सबसे बड़ी बात है दिखाई जरूर मगर ऑडियंस बराबर बनी रही आपकी हालचाल देखने के लिए कि आप कैसे हो, सपोर्ट करने के लिए कि आज राधे भैया तो ठीक हो जाएंगे, आज राधे भैया फिर वीडियो आ जाएगी, फिर उस वीडियो में देखेंगे राधे भैया ठीक हो जाएंगे। और एक चीज जितेंद्र भैया कुछ लोग कह रहे थे, मैंने कमेंट जब चेक करे ना दोस्तों सारी वीडियो के देखे थे, ये नहीं है कि मैंने एक दो कमेंट देखे, इन्होंने जो करा आपको लग रहा था कि यार व्यू के लिए करा,
पार्ट डाल रहे हैं, एक मेरे पे डाल रहे हैं, किनके पे। तो यार दोस्तों हाथ जोड़ के सबसे पहले तो उसके लिए माफ़ी। उसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्यों करा। देखो आज किसी की भी जो पर्सनल चीज़ होती है ना, जैसे फैमिली मेम्बर है, सबके फैमिली परिवार होता है, मेरी जो वीडियो ने रिकॉर्ड करके रख ली, लेकिन इनकी इंसानियत देखो कि इन्होंने बिना परमिशन के एक वीडियो अपलोड नहीं करी। दो वीडियो शुरू की अपलोड करते इन्होंने मेरे पिताजी से पूछा कि इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, क्या मैं अपलोड करूँ। मेरी फैमिली एग्री थी, लेकिन दोस्तों हर परिवार में रिश्तेदार होते हैं, तो कुछ मेरे भी रिलेटिव थे, उनको ये चीज़ शायद थोड़ा अजीब लगा, यार इससे गलत समझेंगे, ये हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो यार इस चक्कर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा था, थोड़ा विवाद हो रखा था। फिर भी जितेंद्र भैया ने मेरे घर वालों से बात करके उस वीडियो के बारे में, थोड़े बहुत सीन भी थे दोस्तों जो उसमें से कट भी करे हुए थे, शायद मैं आपको बता दूँ, फिर इन्होंने घर वालों को मना के वो वीडियो आपको दिखाई। उसको दिखाने का रीज़न था दोस्तों कि यार हम आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहते। आपको अगर हमने अपनी फैमिली बोला है, जितने भी हैं आपके परिवार बोला है, तो यार केवल बोलने से नहीं, निभाना भी पड़ता है दोस्तों। और आज आपका जो प्यार हमारे लिए दिखा है ना, वो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और हाँ, कुछ लोग ऐसे भी है यार जिन्होंने मेरे को एक कॉल तक नहीं करा, एक मैसेज तक नहीं करा। तो यार देखो वही बात हो जाएगी, किसी की बुराई करना अच्छी बात नहीं है, जिनको समझना है वो समझ। ठीक है दोस्तों, जिनकी जैसी सोच, लेकिन मैं तो फिर भी जो मेरा भला करे भगवान उसका भी भला करे, और जो मेरा बुरा करे भगवान उसका भी भला करे। जय श्री राम दोस्तों। आज हम जहाँ खड़े हैं दोनों भाई, ये मेरा ही शहर है, बस प्राइवेसी की वजह से दोस्तों मैं जगह का नाम नहीं बता सकता। तो भैया एक बार चारों तरफ व्यू करके दिखा दो, ये आपके छोटे भाइयों का शहर है। मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो अभी इनका कंक्लूजन दिलाया, इनकी तबीयत के बारे में बताया, जो भी बारे में बातें कही, यार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखना। ये कोई वॉन्टेड वीडियो नहीं है, इसको देखने का मतलब यही है कि आज इस दुनिया के अंदर कलयुग में भी एक इंसानियत है, इसी के बारे में हमने बताया कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं। दोस्तों बस मुझे लगता है ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, और क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, अभी लोकेशन पर जाना है, विजिट करना है। तो जो ये लोकेशन की जो वीडियो आने वाली है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट पे आएगी, और ये जो वीडियो आने वाली है ये जितेंद्र मारोठिया 2.0 के ऊपर भी आ रही है, और द आरजे ब्लॉग पे भी आ रही है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के, एक इंसानियत की मिसाल है ये वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कहता हूँ दोस्ती यारी भाई क्या होते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करें। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। प्यार बनाए रखना, भाई की वापस से शुरुआत है, तो दुआएं रखना, और जय श्री राम का साथ वैसे ही है। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।